गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट हमने डिस्कस किया गया था वो था व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो उसके आर्ग्यूमेंट्स में हमने आपका यहाँ पे दो पॉइंट को डिस्कस किया गया था जिससे हम कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक है। तो उसमें हमने कल डिस्कस किया गया था आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को हमने डिस्कस किया गया था, और सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया गया था आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो थर्ड जो पॉइंट है आज हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो भी इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आते हैं इसको एक्सेप्ट किया जाते हैं बोथ यहाँ पे कैंडिडेट एंड यहाँ पे पीपल जो सपोर्ट करते थे, जिस पार्टी को जिस लीडर्स को सपोर्ट करते थे, जब वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं उसको वो ईजीली क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है बोथ यहाँ पे लोग भी किया जाते हैं और लीडर्स भी और पार्टी भी यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का यहाँ पे क्या है एक पॉइंट से जिससे हम कह सकते हैं यहाँ इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स इट्सेल्फ। तो यहाँ पे जितना भी आउटकम आते हैं, जितना भी यहाँ पे रिजल्ट आते हैं इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो यहाँ पे इटसेल्फ वो अपने आप यहाँ पे बताते हैं ये एक क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। जो फॉर एग्जांपल अगर हम रिसेंटली देखा जाए तो जैसे कि यूएसए में आपका इलेक्शन हुआ था जहाँ पे रिजल्ट आया था जब ट्रम्प वहाँ पे हार गया था, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था बहुत, वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ था। वो यहाँ पे दर्शाते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, मगर इंडिया में हम देखा जाए तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इलेक्शन यहाँ पे होते हैं ये क्या है आपका डेमोक्रेटिक है। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो पहला यहाँ पे ये है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज होते हैं, रूलिंग पार्टीज मीन्स जैसे कि आपका यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो अभी रूलिंग पार्टीज कौन है, बीजेपी से, तो वो भी हार जाते हैं, जैसे कि आपका कांग्रेस होते थे वो भी हार जाते हैं। तो रूलिंग पार्टीज रूटीनली यहाँ पे बार बार हार जाते हैं बोथ नेशनल और आपका यहाँ पे स्टेट लेवल में जो इलेक्शन होते हैं उसमें, चाहे आपका एम पीज का इलेक्शन होते हैं चाहे आपका एम एल एस का इलेक्शन होते हैं, जो रूलिंग पार्टीज होते हैं वो यहाँ पे हार जाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं लोग यहाँ पे वोट्स देते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं उनको वोट देते हैं, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं रखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है, उनको वो इलेक्शन यहाँ पे वोट्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टीज होते हैं ये बार बार यहाँ पे इलेक्शन में हार जाते हैं, मगर एज कम्पेयर टू हम यहाँ पे यूएस में देखा जाए तो इन द यूएस में एन इनक्यूमेंट्स इनकमेंट्स कहा जाते हैं या आप सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे गवर्नमेंट होते हैं, रनिंग गवर्नमेंट होते हैं, जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रहा होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे क्या होते हैं, रेयरली लॉस इन इलेक्शन, कम कम यहाँ पे हारते हैं। जैसे कि पिछले साल जो ट्रम्प था वो आपका यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट था वो हार गया था, मगर इससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखा जाए तो वहाँ पे कम वहाँ पे हारते हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ दो बार ही वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर दो बार ही वो लोग क्या जाए वहाँ पे जीतते हैं। तो वहाँ पे यूएस के अंदर इलेक्शन में ज़्यादातर उनका विन होता है जो वहाँ पे क्या होते हैं एज ए वो गवर्नमेंट वहाँ पे होते हैं, वो लोग वहाँ पे ज़्यादा जीतते हैं। इंडिया इन इंडिया अबाउट हॉप ऑफ सिटिंग एम पीज एंड एम एल एस लूज इलेक्शन। मगर इंडिया में ज़्यादा जहाँ पे एम पीज और एम एल एस जो वहाँ पे रूलिंग ये होते हैं गवर्नमेंट है वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का यहाँ पे एक सिंबल है, जो पेश किया जाते हैं जो अच्छा काम का किया जाते हैं उसको वो अलग किया जाते हैं, जो अच्छा काम नहीं किया जाता उसको वहाँ पे क्या होता है, हार का सामना करना पड़ते हैं। थर्ड जो यहाँ पे कैंडिडेट हु आर नोन एज हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं जहाँ पे वो बहुत खर्चा करते हैं, किसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, वो वोटिंग के समय वो बहुत खर्चा करते हैं ऑन बाइंग वोट्स या वोट खरीदने में वो खर्चा करते हैं, एंड दोज विद नोन क्रिमिनल ऑफन लूज इलेक्शन। तो यहाँ पे उसको हमें पता होते हैं ये क्रिमिनल होते हैं, तो अक्सर जो पैसा खर्चा करते हैं और ये क्रिमिनल होते हैं वो अक्सर यहाँ पे इंडिया में हार जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है।
बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट। इंडिया में अगर हम देखा जाए तो डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन में डिस्प्यूट ऐसा नहीं है जहाँ पे ना के बराबर यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्यूट होते हैं, मगर द इलेक्टोरल आउटकम्स जो भी रिजल्ट आते हैं और यूजुअली एक्सेप्टेड उसको यहाँ पे, चाहे आपका पार्टीज हो, चाहे आपका यहाँ पे कैंडिडेट्स हो, चाहे आपका यहाँ पे लोग हो, खुद इसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाते हैं और पीपल वर्डिक्ट, और ये सोचते हैं ये क्या है, ये लोगों का ही राय है, ये लोगों का ही सोच है जिसने जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे हारा है, तो इसको इजीली ये लोग क्या किया जाते हैं, एक्सेप्ट किया जाते हैं इस डिफीट को, वो लोग एक्सेप्ट किया जाते हैं, पार्टी जो है इस डिफीट को क्या किया जाते हैं, एक्सेप्ट किया जाते हैं, और ये वो ये सोचते हैं ये पीपल वर्डिक है, ये लोगों का ही क्या है फैसला है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे क्या है हार गया है। तो ये भी एक क्या है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का यहाँ पे एक क्या है इंडिया के अंदर एक प्रैक्टिस है, जो जिससे हम कह सकते हैं इंडिया में इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। तो ये तीन जो पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। ये आपका ज़्यादातर इंडिया में जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेट में आपका यहाँ पे होता है, मगर कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं जहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते, जहाँ पे आपका बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, जहाँ पे बहुत से आपका क्रिमिनल जो है वहाँ पे MPs और MLAs के लिए निकलते हैं, वहाँ पे बहुत से पैसे भी चलते हैं। तो ये मगर मेजोरिटी में हम देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से ज़्यादा स्टेट में हम देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक फेयर इलेक्शन होते हैं, फेयर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, फेयर काउंटिंग होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो यहाँ पे ये आपका तीन जो पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। तो कल हम जो चैलेंज फेस करना पड़ते हैं जो इंडिया के अंदर, इनको यहाँ पे तीन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पे करवाने का, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू करवाने का यहाँ पे चैलेंज होते हैं, उस चैलेंज को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।